सिंगरौली में विधि विधान के साथ कई जगह भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई और भंडारों का आयोजन किया गया। इन पूजा कार्यक्रमों में निर्माण और खनन से जुड़े लोगों ने भाग लिया। सिंगरौली में दूधी चूहा परियोजना में ओबी हटाने का काम कर रही कंपनी के कैंप में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया, पूजा अर्चना की गई, साथ ही भंडारे का आयोजन भी हुआ। कंपनी के निदेशक विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रोजेक्ट मैनेजर विजय भान सिंह ने दूधी चूहा के कैंप में पूजा अर्चना की। भगवान विश्वकर्मा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। झिंगुर दहा परियोजना में प्रोजेक्ट मैनेजर रंजीत सिंह ने की, जिसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जहां कंपनी के कर्मियों सहित एनसीएल के अधिकारी, गण ट्रेड यूनियन के नेता और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने एक साथ स्थानीय नागरिकों के साथ साथ भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development, with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. देख रहे हैं दखल न्यूज़।